हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टेक बिला यूट्यूब चैनल में। हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं नेट कैप्सूल वीपीएन ऐप कैसे यूज़ करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं नेट कैप्सूल वीपीएन ऐप को यूज़ करना, तो उसके लिए आपको इसको सबसे पहले जो है प्ले स्टोर में ये अवेलेबल है, इसको वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसका नाम यहाँ पर नेट कैप्सूल वीपीएन नाम से इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा, कैप्सूल वाला, और फ्री वीपीएन प्रॉक्सी फास्ट वीपीएन अनब्लॉक यहाँ पर इस नाम से इस ऐप का नाम दिया गया है। इसको जो हम ओपन कर लेते हैं, ओपन करने के बाद में यहाँ पे आपसे हो सकता है कुछ सेटिंग्स वगैरह या परमिशंस वगैरह अलाउ करने के लिए बोला जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने ऐप ओपन किया है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट टैप टू कनेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ सामने आ जाता है। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, एक तो प्राइवेसी विल बी प्रोटेक्टेड, आईपी विल बी चेंज्ड एंड बैंड विद बी अनब्लॉक। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग वीपीएन यूज़ करते हैं नहीं जानते वीपीएन एक्चुअल में क्या होता है। तो दोस्तों ये जो वीपीएन ऐप होते हैं ये बेसिकली आपको एनोनिमस रखते हैं, इसका मतलब कि आपको इंटरनेट से जो है गायब कर देते हैं। इसके अलावा आपकी जो आइडेंटिटी होती है, मतलब हर आइडेंटिटी जो है आईपी एड्रेस होता है हर व्यक्ति का जो इंटरनेट को एक्सेस करता है, तो उस आईपी एड्रेस को ये लोग जो है हाइड कर देते हैं, छुपा लेते हैं, जिसके कारण से आपकी लोकेशन क्या है लोगों को पता नहीं चलती है। और इस कारण से जो है कई लोग ऐसी ब्लॉक्ड साइट्स होती हैं या ऐप होती हैं जो आपके देश में नहीं चल रही होती हैं, उनको आप उसको यूज़ कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टैप टू कनेक्ट वाला ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका कनेक्टिंग लेगा 100%, जैसे ही हो जाता है तो आपका वीपीएन कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप जो ऐप और ब्राउजिंग आप करना चाह रहे थे वो आप कर पाएंगे। यहाँ पे बीच में आपको एडवर्टाइज भी देखने को मिल सकती हैं, इसको आप क्लिक करके बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गेट 1 आवर वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि फ्री ऑप्शन दिया है, और 2 आवर वाले में आपको एडवर्टाइज देखनी होती है। तो आप 1 आवर को क्लिक कर दीजिए और 1 घंटे तक आप जो है निश्चिंत होकर इसको यूज़ कर पाएंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको जो है आप सिंपली आप देख सकते हैं ऊपर आपको कनेक्टेड वाला ऑप्शन एक देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी वीपीएन आपके अलग अलग देशों में इसके आईपी एड्रेस दिए हुए हैं या आपको नेटवर्क दिए गए हैं वीपीएन के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे वैसे तो बेसिकली जो आपका यूएस का है वो कनेक्टेड है, इसके अलावा यहाँ पे जर्मनी, कनाडा और अलग अलग शहरों का भी यहाँ पे जो भी आप चाहें तो उसको क्लिक करके भी जो है यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने वहाँ पर क्लिक कर दिया है और यहाँ पर आपको बीच बीच में एडवर्टाइज़ वगैरह देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से जो है आपको कनेक्टेड इसमें कर लेना है और सिंपली आपको जो भी ऐप यूज़ आप करना चाहते हैं उनको यूज़ करते हैं। दोस्तों इस तरह से जो है आपको नेट कैप्सूल वीपीएन ऐप को यूज़ करना